जिला अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड के पास टॉयलेट में हुई महिला की डिलीवरी, परिजनों ने लापरवाही के लगाए आरोप। गुना जिला मुख्यालय पर गुना शहर के शासकीय जिला अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में एक प्रसूता महिला की टॉयलेट में डिलीवरी हो गई। मामला 3 जून सोमवार का बताया गया है। परिजनों ने अस्पताल के स्टाफ पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। फरियादी अनिल कुमार केवट निवासी पनवाड़ीहाट तहसील आरोन ने बताया, उनके छोटे भाई की पत्नी की डिलीवरी होना थी। एक दिन पहले 2 जून को महिला को लेकर आए। कल से आज तक महिला दर्द से तड़पती रही, लेकिन मौजूदा मैटरनिटी वार्ड के स्टाफ द्वारा कोई देखरेख नहीं की गई। परेशान परिजन महिला को बाहर लेकर आए। महिला बाथरूम गई थी, इसी दौरान उनकी डिलीवरी हो गई। इसके बाद अस्पताल में मैटरनिटी वार्ड के स्टाफ और महिला के परिजनों के बीच काफी बहसबाजी भी हुई। महिला के परिजनों में जेठ अनिल कुमार केवट ने अस्पताल के स्टाफ पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। अनिल कुमार पनवाड़ीहाट, क्या घटना? डिलीवरी लान लाए थे तो कल से कोई देख रेख नहीं हुई। उनके डिलीवरी देखने को आया कि इनको चेक करके देखो, कल से दर्द से तड़प रही है। तो वहाँ में क्या समस्या है, मुझे बोल रही कहीं एक काम जो अब समय वो हो जाएगा ना, कहीं खुद ही हो जाएगी, हमारा कोई वो नहीं, बड़ी मैडम आई वो देखे। अभी क्या हुआ? अभी जो बाहर डिलीवरी हुई टॉयलेट में, उधर कैसे पहुँची? उधर कहीं बाहर जो तुम्हारी देख रेख करे वहाँ ले जाओ। किसने बोला? वो अंदर जो सिस्टर हैं और जो दान्य है, रवि उनसे कुछ बोला तो ऐसे बोल रहे कि तेरे जैसे मुलाक पानी भरत देखे हैं। एक चीज और देखिए, डिलीवरी आप लोग वहाँ पर खिलाफ और ज्यादा कर रहे हैं, पहले अंदर लाना चाहिए। अरे अंदर से तो मैंने बाहर ले जाए, तुम भी देख रेख करे वहाँ ले जाओ, कहीं तम उठा बाहर ले आए। क्या करने आई है? चाय ले गए, जहाँ ले गया टॉयलेट जहाँ वहाँ जाकर डिलीवरी हो गई। है क्या नाम है? पूजा भाई। कितनी देर तक ये बाथरूम जी? अभी यहाँ से 10 से 15 मिनट। हाँ। उनके पति का नाम क्या है? सुनील केवट। गांव कौन सा? पनवाड़ी हाट। उसमें लापरवाही किसकी? लापरवाही है सिस्टरों की। कुछ नहीं कुछ अंदर एडमिट करेंगे, बाहर कैसे आएंगे? अंदर एडमिट तो करी, उन्हें देख रेख कही, अब बार बार जैसे कुछ लेने जाए, कल किसी को चाय नहीं पिला सकते। चाय ले गए तो ये काम, चाय अंदर नहीं हुई बाहर ले जाओ, बाहर जा क्यों चाय पिलाएं? और भी तो पिला रही हैं अंदर, जाके लाने। हम जो भी कह रहे हैं ना, तो आप ज़्यादा बात मत करो, जो हमारा काम है वो हम कर रहे हैं। ऐसे कैसे कर रहे हैं? कल से दर्द से तड़प रही, कल से लेगा बेटा कोई वो नहीं है, ठीक है? तो कहीं जो तुम्हारी देख रेख करे वहाँ ले जाओ, उठा कम बाहर ले आए। तो अभी जच्चा बच्चा स्वास्थ्य पूरी कर रहा है? पता नहीं, देखा है कि नहीं, अब देख के। क्या नाम है? अनिल कुमार। आप कौन है? जेठ। जेठ। कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। करना प्रेक्षकों ने किया मतगणना स्थल का निरीक्षण, व्यापक रहेगी सुरक्षा व्यवस्था। लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जिसके तहत देश और प्रदेश के विभिन्न संसदीय क्षेत्रों की तरह गुना जिले से संबद्ध गुना व राजगढ़ लोकसभा में आने वाले जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों के मतगणना का कार्य कल 4 जून को प्रातः 8 बजे से स्थानीय पीजी कॉलेज में शुरू होगा। मतगणना की तैयारियों को आज तेजी के साथ अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपको बता दें, मतगणना को देखते हुए पहले धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए जा चुके हैं। वहीं मतगणना स्थल के साथ साथ उस तक आने जाने वाले रास्तों के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम रहेंगे। आपको बता दें चले, मतगणना का यह कार्य 8 बजे से स्थानीय पीजी कॉलेज में विधानसभा वार स्थापित किए गए अलग अलग मतगणना कक्षों में शुरू किया जाएगा। आपको बता दें 112 गणना सुपरवाइजर, 228 कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, 120 माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। गणना प्रेक्षकों ने लिया तैयारियों का जायजा। गुना व राजगढ़ सीट से संबद्ध गणना प्रेक्षकों टी पलानी कुमार व राम कुमार पोद्धा ने आज अपराहन में स्थानीय पीजी कॉलेज में पहुंचकर मतगणना की तैयारियों का जायजा लिया। कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह व प्रभारी मतगणना अधिकारी ओम जिप सीईओ प्रथम, आपको बता दें चलें, लगातार प्रथम कौशिक के साथ पहुंचे हैं। गणना प्रेक्षकों ने लोकसभा निर्वाचन के लिए की जाने वाली मतगणना हेतु स्थानीय पीजी कॉलेज में बनाई गई विधानसभावार व्यवस्था के साथ साथ संपूर्ण परिसर का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने मतगणना परिसर में प्रवेश सुरक्षा व्यवस्था, सूचनाओं के आदान प्रदान, ईवीएम को ले जाने, आपको बता दें अभिकर्ताओं को बैठक व्यवस्था, मीडिया सेंटर आदि का बारीकी से निरीक्षण किया है। अशोकनगर रोड पर रेलवे अंडरब्रिज के पास से कैंट थाना पुलिस ने 3 राज्यों में चोरी के सातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। गुना शहर के कैंट थाना पुलिस द्वारा बीती शाम को एक सातिर चोर को गिरफ्तार किया है। कैंट थाना प्रभारी दिलीप राजौरिया ने बताया,
कैंट थाना पुलिस ने कैंट थाना क्षेत्र के कैंट इलाके में अशोक नगर रोड पर रेलवे अंडरब्रिज के नीचे से केदार पारदी निवासी पटेल नगर गुना को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी पर गुना जिले के कैंट थाना एवं धरनाबदा थाना के अलावा राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी चोरी के कई प्रकरणों में तलाश थी। चोरी के आरोपी केदार पारदी को अशोक नगर रोड पर रेलवे अंडरब्रिज के पास से अवैध शराब बेचने के लिए बाइक सहित पकड़ा गया है। आरोपी के कब्जे से दो चोरी की बाइक एवं अन्य चोरी का माल बरामद किया है। आज एक फरार आरोपी है केदार पारदी, उसको कल शाम को गिरफ्तार किया गया था। 60 लीटर शराब जब्त की गई थी उसके, उससे और पूछताछ में अन्य चोरियों का भी खुलासा हुआ है, जिसमें चोरी की मोटरसाइकिल, आभूषण और जो ये चोरी करता था उसके औजार, ताला तोड़ने के औजार, वो भी इससे जब्त हुए। तो सर, इन पर जो आरोपी हैं, कहाँ कहाँ के आरोपी हैं? ये पारदी है, केदार पारदी, ये बीला केड़ी का रहने वाला है और ये 3 राज्यों की पुलिस से फरार चल रहा है और 2 स्थायी वारंट भी इसके हैं अभी। सर, इसमें वांटेड आरोपी कौन है? इसमें केदार पारदी है, जो कि हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी थाने से भी फरार है और गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना से भी फरार है और एक छीपा बड़ोद में भी एक डकैती में फरार चल रहा है। विहीन का ज्ञापन, सोशल मीडिया पर हिंदू संगठनों के विरुद्ध टिप्पणी करने पर कार्यवाही की मांग। टेकरी मंदिर चोरी के पर्दाफाश के बाद चोरी में शामिल एक आरोपी को विहित कार्यकर्ता बताकर सोशल मीडिया पर हिंदू संगठनों के विरुद्ध टिप्पणी करने पर विहिप में नाराजगी जताते हुए संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा आज कैंट थाना पहुंचकर ज्ञापन सौंप कर मामले में FIR दर्ज करने की मांग की गई है। विहिप ने ज्ञापन में बताया कि शेरा रजावत नामक व्यक्ति सोशल मीडिया और फेसबुक पर हिंदू संगठनों को लेकर अनगर्ल टिप्पणी कर रहा है, जो विहिप सहित हिंदूवादी संगठनों को बदनाम करने का प्रयास है और ये वैमनस्यता पैदा करने वाला है। विहिप ने मामले में FIR दर्ज करने की मांग की है। इस मौके पर विहिप नेता सुरेश शर्मा सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। थाने में ज्ञापन दिया, क्या मामला? आज कैंट थाने में ज्ञापन दिया है। एक शेरा राजावत नाम का एक व्यक्ति है, जो कभी भी किसी भी साधु संतों को और हिंदू धर्म पर और हिंदू संगठनों पर, विश्व हिंदू परिषद पर, बजरंग दल पर इस तरह की गलत टिप्पणियां लिखता है, इसका पता नहीं इसका क्या है अंदर इसके पर। ये हिंदू समाज और हिंदू संगठन और हिंदू समाज के विरोध में बोलता है। कोई अगर गलत काम करता है, विश्व हिंदू परिषद जबकि काम है, विश्व हिंदू परिषद पे उंगली उठा रहा है। विश्व हिंदू परिषद सेवा, सुरक्षा और संस्कार कार्य करता है, हर वर्ष प्याऊ लगवाता है, हर वर्ष रक्तदान करता है, वर्ष भर हर किसी को, जिस निशाय लोग हैं जिनको रक्त नहीं मिलता उनको रक्तदान करता है और धार्मिक कार्य करता है, हर रविवार को भोजन करवाता है। इस तरह के ऐसे पूरा देश विश्व का संगठन है, उसके ऊपर उंगली उठा रहा है। तो इसके लिए एक अपन ने FIR करने के लिए आवेदन दिया है TI साहब को कि इसके खिलाफ एक कार्रवाई की जाए सोशल मीडिया पे ये टिप्पणी लिखने पर। गुना से खबर है, 2 दिवसीय हड्डी रोग शिविर का हुआ समापन, कई रोगी हुए लाभान्वित। जी हाँ, मुनि सुबैतनाथ जिनालय वर्ष कॉलोनी में लगे 2 दिवसीय हड्डी रोग शिविर का समापन हो गया। शिविर के माध्यम से लगभग 250 हड्डी रोग से ग्रस्त मरीजों को इसका लाभ मिला है। मुनि सुबैतनाथ जिनालय सुभाष कॉलोनी समिति के पदाधिकारी मनोज जैन और अनिल बड़कुल ने बताया है कि 2 दिवसीय शिविर की शुरुआत 1 जून को हुई थी। पहले दिन ही आधा सैकड़ा से अधिक हड्डी रोगों से ग्रस्त लोगों ने यहां आकर अपना उपचार कराया। शिविर पूरी तरीके से निःशुल्क था। कई मरीजों की आवश्यकता अनुसार DKT जांच, जो बाजार में 1200 रुपए में होती है, वो भी निःशुल्क की गई। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक शिविर में हड्डी रोगियों की जांच की गई। शिविर में शैलवी हॉस्पिटल ग्वालियर के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकर्ष जैन द्वारा मरीजों की जांच और उपचार किया गया। शिविर के समापन पर मुनि सुबैतनाथ जिनालय समिति सहित महिला चयन मिलन द्वारा डॉक्टर आकर्ष जैन और उनकी माता जी श्रीमती चंदा जैन और पत्नी डॉक्टर तानिया जैन सहित समस्त स्टाफ का सेवाभावी कार्य के लिए समापन लगातार सम्मान किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद। सर बताएं, जो शिविर लगाया गया है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आकर्ष जैन है, मैं ग्वालियर शैलवी हॉस्पिटल में ज्वाइन हूँ और आज हमने मुनि सुबैतनाथ जिनालय की समिति जो है उन्होंने गुना जिले में कैंप लगवाया था। ये मेगा कैंप था, इसमें BMD की जांच हमने करी थी। तकरीबन 200 मरीजों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। स्पेशली फोकस हमारा हड्डी के ऊपर था, ऑर्थोपेडिक्स से जुड़ा हुआ। वो कैंप में जो पेशेंट्स आए थे उनको जॉइंट रिप्लेसमेंट कंसल्ट, बच्चों की पीडियाट्रिक डिफॉर्मिटी, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, इससे रिलेटेड हमने कंसल्ट दिया है।
और ये कंसल्ट के बाद में पेशेंट्स को हमारी उम्मीद है कि काफ़ी फ़ायदा होगा। कुछ मरीज ऐसे भी हैं जिनको ग्वालियर बुलाने की हमको रिक्वायरमेंट लगी है, क्योंकि हम लोग उनकी ज़्यादा जाँचें या ज़्यादा डिटेल्स जानना चाहते हैं। यहाँ पर हम लोग, हमारा समिति द्वारा जो अरेंजमेंट किया गया था बहुत अच्छा रहा, सभी लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, और मेरा ननिहाल भी है तो मुझे यहाँ पे आके हमेशा ही अच्छा लगता है। भगवान जी के साथ में दर्शन करने भी हो गए हमारे। कितने टीम आई थी आपके साथ? मेरे साथ में 4 लोगों की टीम आई थी। एक BMD टेक्नीशियन आए थे, एक फार्मासिस्ट आए थे उनका नाम गौरव है, एक नर्सिंग स्टाफ आए, सीनियर नर्सिंग स्टाफ हृदेश गोस्वामी जी, और मैं डॉक्टर आकर्ष जैन, और मेरे वाइफ डॉक्टर तान्या जैन भी हमारे साथ। लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 4 गुना के विधानसभा 28, बमोरी 29 गुना, जाक्यूम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 20, राजगढ़ की विधानसभा 30, चाचौड़ा 31, राघोगढ़ की मतगणना शासकीय PG कॉलेज गुना में 4 जून 2024 को प्रातः 8 बजे की जाएगी। मतगणना की संपूर्ण तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सत्येंद्र सिंह एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त गणना प्रेक्षक श्री टी पलानी कुमार एवं गणना प्रेक्षक राम कुमार पोदार द्वारा शासकीय PG कॉलेज गुना पहुंचकर मतगणना की तैयारियों का जायजा लिया गया। इस दौरान प्रभारी अधिकारी मतगणना एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला पंचायत प्रथम कौशिक भी उपस्थित रहे। आज निरीक्षण के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सिंह एवं प्रेक्षक गणों द्वारा लोकसभा निर्वाचन के लिए की जाने वाली मतगणना हेतु विधानसभा वार विभिन्न कक्षों एवं संपूर्ण परिसर का निरीक्षण किया गया। उन्होंने मतगणना स्थल के सुरक्षा व्यवस्था, मतगणना परिसर में प्रवेश, मतगणना सूचनाओं का चक्रवार आदान प्रदान, स्ट्रांग रूम से मतगणना केंद्र तक EVM को लाने ले जाने सहित प्रत्याशियों के अभिकर्ताओं की बैठक, मतदान व्यवस्था, मतगणना परिसर में प्रवेश की व्यवस्था तथा मीडिया सेंटर सहित मतगणना से संबंधित सभी व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया गया। आपको बताते चलें, लगातार निरीक्षण के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती जिया फातिमा, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर राघोगढ़ सुश्री आर अंजलि, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर बमोरी श्रीमती शिवानी पांडे, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर गुना रवि मालवीय, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर चाचौड़ा विकास कुमार आनंद सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे हैं। सिरसी थाना पुलिस द्वारा रात्रि गश्त में जल जीवन मिशन योजना के पाइप चोरी कर ले जा रहा ट्रक पकड़ा, 2 आरोपी गिरफ्तार। आपको बता दें 2,91,500 रुपए कीमत के 8 पाइप और ट्रक सहित कुल 14,91,500 का माल किया गया जब्त। गुना पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिंह के निर्देश पर गुना पुलिस द्वारा जिले में अपराध एवं अपराधियों पर निरंतर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुना मानसिक ठाकुर के मार्गदर्शन एवं STOP गुना विवेक अस्थाना के पर्यवेक्षण में जिले के सिरसी थाना प्रभारी उप निरीक्षक अभिषेक तिवारी एवं उनकी टीम द्वारा बीती रात गश्त में जल जीवन योजना के 8 पाइप चोरी से लेकर जा रहे ट्रक को पकड़कर ट्रक चालक सहित 2 आरोपी गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 2,91,500 रुपए कीमत के 8 पाइप और पाइप चोरी में प्रयुक्त आयशर ट्रक कीमती 12,00,000 रुपए, 14,91,500 का माल जब्त किया गया है। 2 जून 2024 के रात में जिले के सिरसी थाना प्रभारी उप निरीक्षक अभिषेक तिवारी हमराह बल के रात्रि गश्त पर थे। इस दौरान ग्राम थानवाड़ी के पास पुतली घाटी पर उन्हें बड़े व मोटे पाइपों से लदा हुआ ट्रक मिला, जिसे रोककर चेक करने पर उक्त ट्रक में लदे पाइप जल जीवन मिशन योजना के पाइप होने पाए गए, जो कंपनी की तरफ से पुतली घाटी के पास रख गए थे। उक्त ट्रक के चालक शिवराज पुत्र दिनेश, जो उम्र 25, आपको बता दें 35 साल, निवासी ग्राम मकनपुर, बताते चले आपको वहां के रहने वाले हैं, और 5.5 मीटर लंबाई के कुल 8 पाइप कीमती 2,91,500 रुपए और पाइप चोरी में प्रयुक्त आयशर ट्रक कुल कीमती 14,91,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। आपको बता दें लगातार सिरसी थाना पुलिस की इस उल्लेखनीय कार्रवाई में थाना प्रभारी उप निरीक्षक अभिषेक तिवारी, आरक्षक राहुल रघुवंशी, आरक्षक रविन्द्र पाल एवं आरक्षक धीरज सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका है। सर्किट हाउस गुना में बाउंड्री की ग्रिल हुई चोरी, कर्मचारियों ने केंद्र थाना में की शिकायत। गुना जिला मुख्यालय पर गुना शहर के बीचों बीच सर्किट हाउस की बाउंड्री वॉल की ग्रिल चोरी हो गई। 3 जून सोमवार को सर्किट हाउस के कर्मचारियों ने केंद्र थाना में शिकायत दर्ज कराई है। सर्किट हाउस गुना के 3 कर्मचारी बलराम माली, मिश्रीलाल कुशवाहा के साथ एक अन्य कर्मचारी ने केंद्र थाना में दिए शिकायती आवेदन में बताया। सर्किट हाउस गुना में काम करते हैं। सर्किट हाउस गुना की बाउंड्री वॉल पर लोहे की ग्रिल लगी हुई थी, जिसे बीती रात में अज्ञात चोर चोरी करके ले गए। वहीं 2 ग्रिल निकली हुई जमीन पर रखी मिली हैं। केंद्र पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सर्वसेन समाज संगठन मध्य प्रदेश रजिस्टर्ड के समस्त वरिष्ठ पदाधिकारी
एवं अशोक नगर जिला अध्यक्ष अजय सेन एवं प्रवीण सेन बरखेड़ा की अनुशंसा पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गोरेलाल सेन ने सर्वसेन समाज संगठन जिला इकाई गुना के जिला अध्यक्ष के पद पर देवेंद्र सेन पूर्व गुना अध्यक्ष विद्यार्थी परिषद पिपरौंदा खुर्द को जिला अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया। आप संगठन एवं समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए समाज के उत्थान एवं विकास के लिए संगठन को मजबूत करने के लिए पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से एवं निस्वार्थ भाव से काम करेंगे। आशा है कि आप संगठन एवं प्रदेश अध्यक्ष की विचारधारा से जुड़कर संगठन का जो उद्देश्य संकल्प है उसको पूरा करेंगे। संगठन आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। पुरानी गल्ला मंडी गुना में हुई बैठक में सेन समाज के वरिष्ठ समाज सेवी राजेश सेन, संतोष सेन, LIC दिनेश सेन, शिक्षक प्रवीण सेन, बरखेड़ा गिरद प्रकाश सेन, देवेंद्र सेन, पुलिस भरत सेन, जय प्रकाश सेन, मुकेश सेन, विनोद शिक्षक बरखेड़ा गिरद, विकास सेन, सुनील बालाजी, मोनू सेन गुना, गोपाल सेन झांझर आदि उपस्थित रहे। बरौद गांव में छत पर सोते रहे परिजन, मकान में हो गई चोरी, नकदी जेवर सहित अन्य सामान ले गए चोर। आरोन तहसील के आरोन थाना क्षेत्र के बरौद गांव में बीती रात में एक व्यक्ति के मकान में चोरी हो गई। रविवार को फरियादी नीलेश रघुवंशी पुत्र रामबरीश रघुवंशी ने जानकारी में बताया, एक बेटा है जो आरोन में रहता है, दोनों पति पत्नी बरौद गांव में छत पर सो रहे थे। इसी दौरान बीती रात में अज्ञात चोर घर का ताला तोड़कर घुसे और घर के अंदर रखे सोने चांदी के जेवर, 35,000 रुपए नकदी, 15 किलो घी सहित करीबन फरियादी नीलेश रघुवंशी ने जैसा बताया कि 4,00,000 रुपए की चोरी की गई है, जिसमें नकदी जेवर सहित घर का सामान शामिल है। चोरी की सूचना आरोन थाना पुलिस की टीम को दी गई, जिस पर से मौके पर पहुंची आरोन थाना पुलिस की टीम द्वारा मौका मुआयना कर फरियादी नीलेश रघुवंशी की शिकायत पर मामले को जांच में लिया है। NCERT की पुस्तकें चलाई जाएं, निजी प्रकाशन की पुस्तकें खरीदने नहीं डाला जाए दबाव। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ ग्राहक पंचायत का ज्ञापन। निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने अब ग्राहक पंचायत मैदान में है। बच्चों और उनके अभिभावकों की समस्याओं को उठाते हुए निजी विद्यालयों की मनमानी के खिलाफ ग्राहक पंचायत द्वारा आज एक ज्ञापन सौंप कर सभी स्कूलों में केवल NCERT की पुस्तकें चलाने की मांग करते हुए कहा कि कोई भी निजी स्कूल निजी प्रकाशकों की पुस्तकें खरीदने पालकों पर बोझ नहीं डाले। ज्ञापन में कहा कि निजी स्कूलों द्वारा पालकों को NCERT की पुस्तकों के स्थान पर निजी प्रकाशों की पुस्तकें खरीदने बाध्य किया जा रहा है। मनमाने ढंग से नियम विरुद्ध फीस बढ़ाई जाती है, जिससे अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने के साथ वे मानसिक रूप से परेशान होते हैं। वहीं NCERT की पुस्तकें की जगह निजी प्रकाशों की पुस्तकें से बच्चों के स्कूल बैग का वजन निर्धारित मापदंड से अधिक हो गया है, जिसके चलते बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान हो रहे हैं और उनका शारीरिक विकास भी नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा स्कूलों द्वारा पालकों पर उनके माफिक दुकान से ही पुस्तकें क्रय करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जिससे दुकानदार अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। ग्राहक पंचायत ने मांग की है कि निजी स्कूलों की मनमानी पर तुरंत रोक लगाकर आवश्यक कार्रवाई की जाए एवं शिक्षा विभाग द्वारा बनाए गए दलों में ग्राहक पंचायत के कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाए, जिससे निजी विद्यालयों की मनमानी पर रोक लग सके और अभिभावकों पर आर्थिक और मानसिक बोझ कम हो सके। इस मौके पर ग्राहक पंचायत के अलंकार वशिष्ठ सहित कई अभिभावक व स्कूली बच्चे मौजूद रहे। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा ज्ञापन सौंपा जा रहा है और पूरे प्रदेश में ये किया जा रहा है। बच्चों को NCERT के बजाय प्राइवेट पब्लिकेशन की पुस्तकें अनावश्यक रूप से ज़बरदस्ती उन पर थोपी जाती हैं, जिससे उनके बस्तों का वजन शासन द्वारा निर्धारित वजन से बहुत अधिक हो गया है और फीस की वृद्धि भी हर वर्ष नियम के विरुद्ध की जाती है। इस तरह से जो आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शोषण बच्चों का और अभिभावकों का हो रहा है, इसके लिए ग्राहक पंचायत पूरे प्रदेश में विरोध कर रही है। जबलपुर में अभी विद्यालय संचालकों और उनके विरुद्ध FIR भी इस क्रम में दर्ज हुई है। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि केवल NCERT की पुस्तकें चलाई जाएं, जिससे बस्तों का जो वजन है वो कम हो, फीस नियम के अनुसार ही बढ़ाई जाए और उन्हें किसी भी कुछ चुनिंदा दुकानों से ड्रेस या पुस्तकें खरीदने के लिए बाध्य न किया जाए। अभी कितना वजन देखा जा रहा है? आपने अभी कॉल भी की है एक बैग में। अभी जो बस्तों का वजन किया है, जबकि इसमें पूरी किताबें नहीं हैं, कुछ किताबें तो स्कूलों में रख ली गई हैं, उसके बाद भी 6 किलो के आसपास बस्तों का वजन जा रहा है, जबकि ये 4th-5th क्लास के बच्चे हैं। आपका बच्चे अलंकार वशिष्ठ, ग्राहक पंचायत से।
अभी तो बहुत बार ही हो रहा है। अच्छा, ज्यादा इसके हाँ इसके चक्कर में गिर भी चुका हूँ बहुत बार। कई बार गिर चुके हाँ। इस क्लास के स्टूडेंट है? फिफ्थ सिक्स्थ में जाएंगे। अब क्या चाहेंगे आप? कम हो, थोड़ा कम होना चाहिए हाँ। अभी कितने किलो वजन है? अभी 5 के आसपास ही है। 5 के आसपास हाँ, 6 के करीब। अच्छा, और आपका वजन कितना होगा? मेरा पता नहीं, 20-21 होगा। क्या नाम है तुम्हारा? आरिश खान। आपका? क्या वशिष्ठ। अच्छा, क्या मांग है आपकी? बैगों का वजन थोड़ा कम कर दिया जाए। थोड़ा कम? अभी कितना वजन है? अभी मैंने देखा तो नहीं था, लेकिन बहुत होगा। भारी लगता है बिल्कुल आपको? हाँ। स्कूल जाने परेशानी आती है हाँ। तो आज कहाँ आए थे आप लोग? आज हम लोग कलेक्टर साहब के पास आए थे हाँ। नाम क्या है तुम्हारा? व्याख्या वशिष्ठ। बुआ की हत्या करने वाले भतीजों आरोपीगर को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सहायक मीडिया प्रभारी श्री मयंक भारद्वाज, एडीपीओ राधोगढ़ द्वारा बताया गया है कि फरियादी सोनू ने साश्र की देहाती नालसी ले कराई की दिनांक 10 अक्टूबर 2021 के रात्रि करीब 9 बजे वह अपनी बुआ अमर भाई ओझा के घर पठार मोहल्ला आरोन आया था। बुआ उसे खाना खिलाकर अंदर वाले कमरे में चली गई और बाहर वाले कमरे में लेट गया। तभी करीब रात्रि 11:45 पर जिस कमरे में सो रहा था उस कमरे का लोहे वाला गेट किसी ने खटखटाया, उसने नहीं खोला। तभी दूसरी प्लाई के गेट में धक्का मारा तो गेट टूट गया। उसी से दो आदमी कल्ला व लालू ओझा निवासी धमनार के, जिनकी बहन संगीता को उसकी बुआ अमर भाई का लड़का गोलू शाम को भगा कर लाया है, सीधे कमरे में घुस गए और कल्ला ने उसे धक्का मार दिया और गिर गया, जिससे उसके बाएं हाथ में व पेट में लगातार चोटें आई तथा लालू ने लकड़ी उसके सिर से पीछे लगी मूंदी चोट आई। तभी वह पहचान के कन्हैया चौरसिया को फोन लगाया। कल्ला ने उसका मोबाइल छीन लिया। उसकी बुआ अमर भाई डर के कारण छत पर जीने से ऊपर चली गई। वो दोनों पीछा करते हुए छत पर चले गए। वह भी उनके पीछे छत पर चढ़ गए। कह रहे थे उनकी बहन संगीता कहाँ है बता। कल्ला ने छत पर रखी खटिया की पाटी उठाकर बुआ अमर भाई के सिर में मारी। वहीं औंधे मुंह गिर पड़ी, सिर से खून निकल आया और खत्म हो गई। इन्हीं में से किसी ने पुलिस को फोन किया और पुलिस पर मौके पर आ गई। कल्ला उसका एंड्रॉइड सैमसंग कंपनी का मोबाइल छीन कर ले गया, जिसमें जियो की सिम क्रमांक 6560142240 पड़ी हुई है। प्रकरण थाना आरोन में पंजीबद्ध कर योजना में लिया गया है। संपूर्ण योजना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। नानाखेड़ी इलाके में दुकान में लगी आग, प्लास्टिक के पाइप और दरवाजे में लगी आग, जल्दी फायर ब्रिगेड पहुंचने से टला पड़ा हादसा। शहर के नानाखेड़ी इलाके में रिलायंस पेट्रोल पंप के पास एक दुकान में आग लग गई। आग रविवार शाम 7 बजे के आसपास लगी है। प्लास्टिक के पाइप गेट में आग लगी। हालांकि समय से पहले ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। मिली जानकारी के अनुसार रिलायंस पेट्रोल पंप के पास संगम ट्रेडर्स और संगम सीमेंट नाम से 3 मंजिला दुकान है। यहाँ पर प्लास्टिक के पाइप, पीवीसी गेट आदि का विक्रय होता है। रविवार शाम 7 बजे के आसपास यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर अचानक आग लग गई। धुआं उठता देख कर्मचारियों ने मालिक को सूचना दी। प्लास्टिक का सामान होने से आग तेजी से फैल गई। 3 मंजिल तक धुआं उठने लगा। दुकानदार ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड भी समय से पहुंच गई। इस वजह से आग पर जल्दी काबू पा लिया गया। हालांकि एहतियातन फायर ब्रिगेड ने एक और चक्कर लगाकर पानी डाला। संभवतः शॉर्ट सर्किट के कारण दुकान में आग लगी। आग लगने से दुकान में रखे पाइप और गेट जल गया। हालांकि जल्दी काबू पा लेने से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। 1.5 लाख रुपए के नुकसान की आशंका प्रकट की जा रही है। गिरधारी मंदिर बजरंगड़ में परिहार समाज कर्मचारी सेवा संघ की हुई जिला स्तरीय बैठक, नवीन कार्यकारिणी का किया गया गठन। गिरधारी मंदिर बजरंगड़ में परिहार समाज कर्मचारी सेवा संघ की जिला स्तरीय बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता गजराज सिंह परिहार द्वारा की गई। अध्यक्षता कर रहे गजराज सिंह परिहार ने बताया, गिरधारी मंदिर बजरंगड़ में हुई परिहार समाज कर्मचारी सेवा संघ की बैठक में नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें मंदिर समिति में महेश राजपूत को अध्यक्ष, प्रीतम सिंह परिहार को उपाध्यक्ष के साथ कार्यकारिणी के अन्य पदों पर नए लोगों को नियुक्त किया गया। सभी को अपने पद और कार्यों के बारे में अवगत कराया गया। संगठन को मजबूत करने एवं कार्यकारिणी में सहयोग करने के साथ समाज हित एवं मंदिर समिति में महत्वपूर्ण सहयोग के लिए सभी को अवगत कराया गया। बजरंगड़ में गिरधारी मंदिर पर हुई परिहार समाज कर्मचारी सेवा संघ की बैठक में संघ से जुड़े सभी सदस्य, पदाधिकारी एवं अन्य लोग मौजूद रहे।
बाल संस्कार शिविर सनातन संस्कृति से जोड़ने का सतत माध्यम पाराशर। जिला सनाट सभा संस्कार भवन पर आपको बता दें, संस्कार शिविर का शुभारंभ भारतीय सनातन संस्कृति के अनुसार जिला सनाट सभा के अध्यक्ष इंजीनियर कृष्ण राजौरिया की अध्यक्षता आचार्य पंडित तुलसीदास दुबे नेतृत्व मुख्य अतिथि पी आर पारासर महाप्रबंधक द्वारा माँ सरस्वती जी की पूजा दीप प्रज्वलित कर किया गया। मुख्य अतिथि पारासर ने कहा कि वर्तमान परिवेश में हमारे युवा भारतीय सनातन संस्कृति के संस्कारों को भूलते जा रहे हैं और जीवन के मार्ग से भटकते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जिला सनाट सभा ने बच्चों के समग्र व्यक्तित्व निर्माण एवं शिक्षा के साथ साथ अति आवश्यक संस्कार सृजन हेतु जो बाल संस्कार एवं व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन कर सभी वर्गों के बच्चों एवं पालकों को सनातन संस्कृति से जोड़ने का जो कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय है। आपको बताते चले, अध्यक्ष इंजीनियर कृष्ण राजौरिया ने कहा है कि हमारा उद्देश्य है कि बालक पढ़ाई के साथ साथ अपनी संस्कृति का भी पूरा ज्ञान रखें, इससे जीवन में आने वाली कोई भी परेशानी का समाधान तुरंत हो जाए। आपको बताते चले, युवा पीढ़ी को संस्कारवान बनाएंगे। पंडित लखनलाल शास्त्री ने भी बिना संस्कारों के जीवन अधूरा ऐसा कहा है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा एवं माता पिता का आदर करना, सच बोलना या संस्कार ही तो है जो हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है। महिला इकाई अध्यक्ष श्रीमती आशा शर्मा ने शिविर को सफल बनाने की अपील की। ओम रामकिशोर शर्मा कोषाध्यक्ष ने कहा है कि शिविर का पहला दिन था आज, लगभग 50 बच्चों को उपस्थित रही। बच्चों की उपस्थिति दर्शाती है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। शिविर दिनांक 2/6/2024 से 9/6/2024 तक शाम 5 बजे से रोजाना जारी रहेगा। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में बच्चों को भेजें जिसमें उन्हें संस्कार सिखाए जा सके। कार्यक्रम में वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर ओपी बिरथरे, उपाध्यक्ष प्रमोद शर्मा जी, राजकुमार शर्मा, महासचिव शिव दयाल शर्मा, संयुक्त सचिव ललित भारद्वाज, अध्यक्ष डॉक्टर देवी शंकर शर्मा, पंडित प्रकाश नारायण पारासर, सनातन समाज के अध्यक्ष राधेश्याम शर्मा शुक्ला जी, मीडिया प्रभारी आनंद व्यास, श्रीमती कुसुम शर्मा, श्रीमती प्रेम लता बेथरे, श्रीमती पूजा शर्मा, श्रीमती छाया, श्रीमती कल्पना, श्रीमती लक्ष्मी पारासर, श्रीमती कल्पना रघुवंशी, श्रीमती मिथिलेश आदि की उपस्थिति रही। गुरु उपकार महोत्सव के अंतर्गत श्रवण संस्कृति संस्कार शिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, वो भी श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान द्वारा, जो कि दिनांक 5 जून बुधवार से 13 जून गुरुवार तक आयोजित किया जा रहा है। स्थान है श्री मुनि सुब्रतनाथ जिनालय, सुभाष कॉलोनी, एबी रोड, गुना। अधिक से अधिक संख्या में आकर धर्म का लाभ उठावें। जय जिनेंद्र। नमस्कार दर्शकों, दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान शिविर खनिया दाना द्वारा मुनि सुब्रतनाथ जिनालय पर श्रवण संस्कृति संस्कार शिक्षण शिविर का आयोजन दिनांक 5 जून से 13 जून तक रखा गया है, जिसमें आपके बच्चों और महिलाओं को संस्कारित किया जाएगा। संस्थान द्वारा कार्यक्रम इस प्रकार है, सुबह 7 बजे से अभिषेक प्रारंभ होगा, 8 बजे से बच्चों की क्लास रहेगी 8 से 10 की, और शाम को 6:30 बजे से 7:30 बजे तक बच्चों की क्लास रहेगी। 7:30 से 8 बजे तक आरती का कार्यक्रम रहेगा और 8 बजे से महिलाओं का क्लास रहेगी। महिलाओं की क्लास में 6 डाला पढ़ाई जाएगी। कन्यादान संस्थान के 3 भैया जी गुना आ रहे हैं और अधिक से अधिक बच्चे महिलाएं इस कार्यक्रम में भाग लेकर धर्म लाभ अर्जित करें। धन्यवाद। आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र। जैसा कि हम सभी को पता है, अभी बच्चों की छुट्टियां समर वेकेशन चल रहा है, उसमें सभी मम्मी चाहती हैं कि बच्चे बहुत सारी एक्टिविटीज़ सीखें जो 365 दिन में वो स्कूल के टाइम नहीं सीख पाते, जैसे ड्राइंग है, स्केटिंग है, पेंटिंग है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ बच्चों को सिखाना चाहती हैं मम्मी। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत आगे निकलें। सिर्फ एक ऐसी चीज़ है धर्म के संस्कार, जहाँ हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। अभी वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा ध्यान बच्चों का मोबाइल पर, फेसबुक, व्हाट्सएप, बच्चे इन छुट्टियाँ हो गई हैं इनमें ज़्यादा ऐड होते जा रहे हैं। तो आपको सभी एक्टिविटीज़ सिखाने का मौका मिल ही रहा है, उसके साथ साथ आपको एक और मौका मिल रहा है धार्मिक संस्कार शिविर। हमारे गुना शहर में मुनि सुब्रतनाथ जिनालय पर 5 जून से 13 जून तक 8 बच्चों को धार्मिक संस्कार शिविर, बाहर से भैया जी आ रहे हैं तीन खनिया धानी से, वो आपके बच्चों को संस्कार धार्मिक संस्कार से जोड़ेंगे। सुबह 8 बजे से पूजन अभिषेक क्लास शुरू हो जाएगी बच्चों की, फिर शाम के टाइम 6:30 से 7:30 तक बच्चों की क्लास रहेगी, 7:30 से 8 तक आरती का समय रहेगा, 8 से 9 महिलाओं की क्लास रहेगी। मेरा सब माताओं से अनुरोध है
कि आप जिस तरह से अदर एक्टिविटीज़ में भेजती हैं उसी तरह से आप धार्मिक संस्कार में अपने बच्चों को लेकर आएँ, और आप भी अपनी जो महिलाओं की क्लास है उसको अटेंड करके आप भी लाभ लें और बच्चों को भी इस संस्कार से जोड़ें। जय जिनेन। आप सभी को जय जिनेन। मैं अरुण कुमार जैन मनुष्य समाज जनालय समिति से आप सभी से निवेदन करता हूँ कि हमारे मंदिर पर बच्चों का एवं उनकी मम्मियों का संस्कार शिविर लग रहा है, तो आप सभी से निवेदन है कि आप अपने बच्चों को एवं अपनी बहुओं को संस्कार शिविर में मनुष्य समाज जनालय में अवश्य भेजें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान के तत्वाधान में आयोजित गुरु उपकार महोत्सव के अंतर्गत श्रवण संस्कृति संस्थान शिक्षण शिविर दिनांक 5 जून 2024 से गुरुवार दिनांक 13 जून 2024 तक श्री मुनीश्वरनाथ जिनाले सुभाष कॉलोनी पर आयोजित किया जा रहा है। यह शिविर निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी के मंगल आशीर्वाद से प्रारंभ किया जा रहा है। सभी माता बहनों से निवेदन है कि अपने बच्चों को इस संस्कार शिविर में अवश्य रूप से भेजें, क्योंकि ये संस्कार जो बच्चों में अभी पढ़ेंगे वो आगे जाके भविष्य में हम लोगों को बहुत काम में आएंगे। आज हम बच्चों को उंगली पकड़ के यहाँ तक लाएंगे तो कल बच्चे हमको मंदिर ले जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी उनको। इसलिए यहाँ तक हो सके आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपने बच्चों को यहाँ अवश्य भेजें। जय जिनेन्द्र।